हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाई व्यास आपका डायमेटिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे व पीएम की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लाइफ चेंजिंग थॉट है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आपने मान लिया कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कोई आपका जो गोल है, आपका टारगेट है, उसको आप अचीव कर सकते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने आप आधी मेहनत कर लिया, आपने आधा आपका काम कर लिया है, कि आपने आपकी सक्सेस को, आपके टारगेट को आधा अचीव कर लिया है। अगर आपने मान लिया कि आप कर सकते हैं, सो यू कैन, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन। आई होप स्टूडेंट्स, ये लाइफ चेंजिंग थॉट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। तो बात करते हैं हमारी क्लासेस की ओर। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के डिग्रीज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और, पहले हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलास डिग्री बेस्ड क्वेश्चन पे ही, और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इनको नोट भी करते रहना और समझना भी सही। तो आपके न्यू फॉर्मूलास कुछ इस टाइप के आएंगे, साइन 90 माइनस ए। ए क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल, साइन 90 माइनस ए ये इक्वल होगा कॉस ए के, देन कॉस 90 माइनस ए, तो ये क्या होगा, साइन ए के इक्वल, देन टेन 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए होगा कॉट ए, देन कॉट 90 माइनस ए इक्वल होगा टेन ए के। उसके बाद आएगा सेक 90 माइनस ए, ये इक्वल होगा कोजेक ए के, और लास्ट कोजेक 90 माइनस ए, ये इक्वल होगा सेक ए के। तो स्टूडेंट्स, ये सिक्स फॉर्मूले आपको ध्यान में रहने चाहिए, लर्न होने चाहिए, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, तभी हम आप आगे की जो एक्सरसाइज है उससे, उसके जो क्वेश्चन है, इन फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि इवेल्युएट, इवेल्युएट, इवेल्युएट में आपको जैसे कि दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, वी नो दैट साइन ए कितना पढ़ा हमने, साइन ए अभी जस्ट हमने देखा था, साइन ए क्या होता है, कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, कॉस 90 माइनस ए। आपको साइन इसमें कितने दिया है, साइन 18, तो साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस ए कितना 18 है, तो 18 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 18 कितना होगा स्टूडेंट्स, 72। तो हम देख रहे हैं कि साइन 18 किसके इक्वल होगा, कॉस 72 के। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन 18 अपॉन कॉस 72, तो साइन 18 इक्वल टू कॉस 72 मिला आपको, तो उसकी जगह हम कॉस 72 लिख लेंगे, और अपन तो कॉस 72 है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ या तो न्यूमरेटर को चेंज करो या डिनोमिनेटर को, ओनली एक ही जो टर्म है उसको ही चेंज करना है, दोनों को आप चेंज नहीं करेंगे। तो इससे क्या, तो क्या होगा, दोनों एक, दोनों सेम है, कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 1, तो साइन 18 अपॉन कॉस 72 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कुछ इसी से रिलेटेड, और टॉपिक को क्लियर करते हैं, और इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस की ओर जाते हैं हम। तो जैसे कि अगर आपको दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ओके स्टूडेंट्स, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि हम किसको ओनली वन टाइप को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे, देखो वी नो दैट कॉस 48 है, तो कॉस वाला क्या फॉर्मूला था, कॉस ए किसके इक्वल होता है, साइन 90 माइनस ए के, तो आपका कॉस कितना है, 48 है, तो कॉस 48 होगा साइन 90 माइनस 48 के इक्वल, 90 माइनस 48 कितना होगा, साइन
42। ओके, अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया आपको, कॉस 48 माइनस साइन 42। अब कॉस 48 इक्वल टू कितना आ गया अपना, साइन 42, तो रिप्लेस कर लेंगे साइन 42 से, तो साइन 42 माइनस साइन 42 कितना हो जाएगा, जीरो हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, इसमें आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको दिया है, शो दैट कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू जीरो। इसमें आपको शो करना है कि ये जो वैल्यू गिवन है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसमें एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस, तो एलएचएस अपना कितना है, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52। तो देखो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, ओनली वन वैल्यू को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 38 को चेंज करेंगे कॉस 38 को, यहाँ पे साइन 38 को। देखो कॉस 38 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम फॉर्मूले से सिमिलर हो चुके हैं उनसे, हमको फॉर्मूले लर्न हो गए, तो हम इजीली देखो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है, साइन 90 माइनस ए, ए कितना है यहाँ पे 38, तो साइन 90 माइनस 38, और कॉस 52 को एज इट इज हम लिख लेंगे। माइनस साइन ए, साइन ए कितना होता है, कॉस 90 माइनस ए कितना है 38, तो कॉस 90 माइनस 38, और साइन 52 है तो उसको एज इट इज वही रहने देंगे। साइन 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 मतलब कितना हो गया 52, और कॉस 52 है तो उसको एज इट इज। माइनस कॉस 90 माइनस 38 यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे भी 52 हो गया, और ये हो गया साइन 52 डिग्री। तो साइन 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, इसको रीअरेंज कर देते हैं, आगे लिख लिया साइन 52 कॉस 52। देखो साइन 52 कॉस 52 माइनस साइन 52 कॉस 52, तो दोनों सेम है तो माइनस होगा तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी फॉर्मूले से बेस्ड एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये कंसेप्ट काफी इजी है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए आपको दिया है कि इफ सेक 4a इक्वल टू कॉस एक ए माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल लेस देन 90, तो 4a क्या एक्यूट एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करते हैं, आपको सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना है, गिवन दैट sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। ठीक है, अब आपको पता है sec a किसके इक्वल होता है, हाँ फ्रेंड्स sec a किसके इक्वल होगा, sec a इक्वल होता है cosec 90 माइनस एक ही, ये हमने पढ़ा था। ओके, तो सिमिलरली sec 4a किसके इक्वल हो जाएगा, cosec 90 माइनस 4a के। देखो तो ये भी उसके इक्वल है और ये भी sec a इक्वल टू sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 और sec 4a इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a, तो दोनों उसके इक्वल है, तो दोनों इक्वल होंगे बाय 1 एंड 2 cosec a माइनस 20 किसके इक्वल हो जाएगा, cosec 90 माइनस 4a के। देन दोनों ही cosec के तो साइन हट जाएंगे और एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो a माइनस 20 इक्वल टू 90 माइनस 4a। अब 20 को उधर शिफ्ट करेंगे और 4a को इधर शिफ्ट करते हैं, 4a इधर आएगा तो प्लस 4a, तो 1 प्लस 4a इक्वल टू 90, और 20 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस 20 हो गया, ये कितना हो गया 5a इक्वल टू कितना आएगा 110। तो ए आ गया स्टूडेंट्स आपका
ए स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 22, 110 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ गया 22। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करना आ गए होंगे और ये कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप घर पर प्रैक्टिस करना, और अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज रहती है स्टूडेंट्स तो आप टेलीग्राम पर डायमीटर डिस्कशन चैनल है, डायमीटर चैनल है, उसको ज्वाइन करके आपके जो भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स वहां पे हमसे शेयर कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और जो भी स्टडी मटेरियल होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट है इवेल्युएट 10 डिग्री अपॉन कॉट 80 डिग्री, सेकेंड साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है आपको प्रूव करना है, शो दैट कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड क्वेश्चन है इफ कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा वेयर 2 थीटा एंड 4 थीटा आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, और अभी तक आपने डायमीटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले, इसलिए आपको और भी फ्यूचर में मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपकी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाए। बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग डायमीटर क्लासेस, स्टे होम स्टे सेफ, इंडिया फाइट्स कोरोना।